हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना नेहरू। आज हम बात कर रहे हैं कि सैमसंग मोबाइल का किसी भी मॉडल का अगर आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं आसानी से Z3 एक्सबॉक्स से, तो आप इस वीडियो को देखते रहें। दोस्तों, होता क्या है कि आप लोग जब भी आप किसी मोबाइल का जो सैमसंग मोबाइल का जो फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं, तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सा वर्सन डाउनलोड करें, कौन सा वर्सन ना करें, 6.1 है या 5.1 है और लेटेस्ट वर्सन है या ओल्ड वर्सन है। तो इस चक्कर में आप जो काफ़ी परेशान होते हैं और काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होता है। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि आप आसानी से बिल्कुल सैमसंग का जो फ्लैश फाइल है किसी भी मॉडल का आप कैसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको देखना है सीखना, तो इस वीडियो को भी लास्ट तक देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी, आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो, तो वीडियो के नीचे यहाँ सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो आपका जो Z3 बॉक्स का जो सेल है उसे आपको ओपन करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि Z3 बॉक्स का जो सेल है वो हमारा ओपन हो चुका है। हमें यहाँ सपोर्ट पर क्लिक करना है और जैसे हम सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई तरह का जो है ऑप्शन है यहाँ पे जो है डाउनलोड करने का। आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, आप जो बॉक्स का जो है सेटअप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, उसका USB ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर में एक नंबर पे सॉफ्टवेयर है, वहाँ से आप Z3 बॉक्स का कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 2 पर जो है सैमसंग फाइल है, इस पर क्लिक करके आप अपने जो है किसी भी मॉडल का जो है फ्लैश फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 2 पर सैमसंग फाइल पर क्लिक करके आप, तो चलिए हम सैमसंग पर क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है सैमसंग मोबाइल का जो है जितनी भी मोबाइल है सैमसंग का शुरू से लेकर अब तक सभी के सभी मॉडल यहाँ पर उपलब्ध है। आप अपने जो भी मॉडल आपको चाहिए उस मॉडल का फ्लैश फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ऊपर में आपको जो भी मॉडल का फ्लैश फाइल चाहिए तो आप उस मॉडल को यहाँ पर ऊपर में लिख दें। हमें J710FN का जो है फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है, तो हम J710FN जो है यहाँ पे लिख देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करें तो मोबाइल के पीछे जो बैटरी के नीचे जो मॉडल नंबर लिखा हुआ होता है, तो उसी मॉडल नंबर को आपको यहाँ पे लिखना है और अपने कीबोर्ड पर एंटर का जो बटन है उसे आपको दबाना है। तो हमने मॉडल नंबर लिख दिया है, अब हमें अपने कीबोर्ड पर एंटर बटन दबाना है। और जैसे हमने दबाया, आप देख सकते हैं कि जो इस मॉडल का जो है फ्लैश फाइल यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे जो सारी वर्सन है, जो लेटेस्ट वर्सन और ओल्ड वर्सन, वो सारा यहाँ पे मौजूद है। अब फिलहाल हमें तो जो सबसे नीचे में आप देख रहे हैं सबसे अधिक MB का जो फ्लैश फाइल है सबसे नीचे में, इसे हमें डाउनलोड करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई जो नया फ्लैश फाइल आता है किसी भी मॉडल का, तो वो अधिक MB का होता है। जैसे मान के चलिए इस महीने में अगर 900 MB का आया है, तो अगले महीने में वो 950 MB का आ सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करें तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है सबसे अधिक MB का जो फ्लैश फाइल है वो कौन सा है, उसी को ही आपको डाउनलोड करना है। दूसरी बात, जब आप डाउनलोड करें तो अगर आप सेल में टिक लगा के डाउनलोड करेंगे तो इसका जो स्पीड होगा वो स्लो होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें रिज्यूम नहीं हो पाएगा। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है तो आप इसे दोबारा जो है फिर आपको दोबारा डाउनलोड करना होगा। इसीलिए आप ब्राउजर पर टिक लगा करके ही डाउनलोड करें और इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के जरिए से आप डाउनलोड करें, और ताकि आपका जो उसमें रिज्यूम होगा और आपका जो इंटरनेट का जो MB है वो आपका बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, तो इस फ्लैश फाइल को डाउनलोड करने के लिए हमें इसे डबल क्लिक करना होगा। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे और हमने अपने जो ब्राउजर में टिक लगा कर रखा है, और ये डायरेक्ट जाकर के हमारे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर में जाकर के डाउनलोड होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर ऑटोमेटिक ओपन हो चुका है और यहाँ डाउनलोड करने के लिए हमें कहा जा रहा है। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के जरिए से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो क्या होगा कि आपका जो है ये MB कभी बर्बाद नहीं होगा, और जहाँ से आपका डाउनलोड हुआ था वहीं से आपका दोबारा फिर से डाउनलोड होगा। और इसमें रिज्यूम होता है, 100% गारंटी रिज्यूम होता है। चाहे आप कंप्यूटर अगर ऑफ भी कर देंगे, आप अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट भी अगर हो जाएगा,
दोबारा आप कंप्यूटर को चालू करेंगे 10 दिन बाद भी आकर के, तो फिर आप डाउनलोड करना चाहें तो उसी जगह से ही डाउनलोड होगा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के जरिए से। इसीलिए आप जब भी डाउनलोड करें तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के जरिए से ही आप डाउनलोड करें, ठीक है। अब मैं आपको अभी इसे पॉज करके दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि इसे दोबारा जो है रिज्यूम लेगा ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये दोबारा जो है रिज्यूम ले रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें दोस्तों इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक करें, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।